हेलो गाइज, नमस्कार। मैं अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील कमल क्लासेस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे सोमरफेल्ड मॉडल खत्म हो गया था और पिछले लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट किए थे पिछले इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए। तो अभी इलेक्ट्रॉन स्पिन से पहले हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किए थे इसमें से एक टॉपिक है हमारा फिनिश कंप्लीट हो चुका है, वो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है किस प्रकार से वो मैग्नेटिक मोमेंट की तरह बिहेव करता है उसके बारे में हम देखे थे। अभी उसका नॉर्मल नेचर है वो देख उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी इस लेक्चर में देखेंगे कि क्या होता है जब उस ऑर्बिट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। यानी वह इलेक्ट्रॉन हम देखे थे कि जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है वह एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। यानी म्यू और म्यू का अगर डायरेक्शन देखे थे तो यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मूव करता है तो आई है करंट, अब इस प्रकार से घूमेगा आएगा और करंट इस प्रकार से आएगा तो इसका कर्ल भी इसका करें तो डाउन साइड डायरेक्शन इस प्रकार से मिला था। और एक चीज हम और देखे थे कि जब हम देखे थे एंगुलर मोमेंट एल का वैल्यू वेक्टर एल उसका डायरेक्शन देखे थे तो एक उसका डायरेक्शन आया था वो बिल्कुल अपोजिट आया था किसके, ये इसके म्यू के डायरेक्शन, म्यू में यानी मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल के एंटी डायरेक्शन में होता है एंगुलर मोमेंटम। ये हम देख चुके हैं पिछले क्लास में। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इस मोमेंट है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रखेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सटर्नल फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे समान हो, ऐसे नहीं कि चेंज वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। तो इसमें देखेंगे तो इसमें मैं एक स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूँ कि कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमें इसमें एक वो मैं आगे जब टॉपिक आएगा तब मैं बता दें। तो चलते हैं फिर, टॉपिक लिख लेते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन वी कीप मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कुछ भी लिख सकते हैं उसको इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द ये इसके कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है हम लोग लूप लिए थे ये, इसको हम क्या करेंगे, इसको ये इसमें ऑर्बिट भी रहता है, न्यूक्लियस भी रहता है, सब कुछ रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे। तो इसको हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहे हैं, एटम भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगा के देखते हैं क्या होता है अगर हम इसको एक्सटर्नल। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने इसको करके देखा तो हमें उनको रिजल्ट मिले, हम भी इसको उसी रिजल्ट के आधार पर हम इसका एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, हम मैं ले लेता हूं कि ये है हमारा मेरा मैग्नेटिक का डायरेक्शन। तो इससे मैं क्या करता हूं, तो ये है ना ऑर्बिट्स रख रहा हूं, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको रख रहा हूं और जो एंगुलर मूवमेंट एल वेक्टर से डिनोट करेगा इसको एंगुलर मूवमेंट को बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो ये लूप रख रहे हैं ये वाला, तो इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एंगल पर रखने का, क्योंकि डायरेक्शन में लेंगे तो हमें स्पेसिफिक स्पेशल केस मिल जाए उसी पर हम एक्सप्लेनेशन देंगे। मैं क्या करता हूँ इसको कुछ एंगल पर रखते हैं तो उसकी वजह से हम अपने उसका प्रत्येक डायरेक्शन, क्योंकि थीटा का वैल्यू हम लेंगे कुछ एंगल पर रखेंगे थीटा का वैल्यू करके हम इसका पूरा डायरेक्शन के बारे में देख सकते हैं। तो हमें क्या होगा, जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ इस लूप को इस प्रकार से, ये मेरा लूप है और मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार रख दिया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसका अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारा जो ये करंट चलेगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है तो करंट है मान लेते हैं ऐसे ऐसे एक सर्किल है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है ऐसे ऐसे इस प्रकार से। तो अगर करंट इसमें इस प्रकार से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मूव कर रहा है तो करंट क्या होगा, करंट इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो करंट इस प्रकार से मूव करेगा आएगा,
करंट का डायरेक्शन है वो क्या, इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों है अपोजिट डायरेक्शन। तो इसके हिसाब से मैं क्या करता हूं, इधर एल एंगुलर मोमेंटम, पहले ले लेते हैं एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा ले लेते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि हम इसके क्या कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसका एंगुलर मोमेंटम और न्यू का वैल्यू, ये सब उसका वैल्यू में चेंजेस क्या आएंगे, कितना डायरेक्शन में चेंज होगा, किस प्रकार से वेरी करेंगे, ये सब देख रहे हैं। तो हमें क्या करते हैं, पहले एंगुलर मोमेंटम ले लेता हूँ, उसका डायरेक्शन क्या करता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है एम वी आर, जहाँ एम मास का कोई है तो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसने क्या मूव करा है, इलेक्ट्रॉन मूव करा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करा है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में ले तो हमें मिलेगा एल का डायरेक्शन इस प्रकार से। ये आप जानते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। तो हमें मिल गया एल वेक्टर का वैल्यू इस प्रकार से, और B का वैल्यू दिया था, B वेक्टर का, वो हम लिए थे जेड के अक्रॉस, इसको मान लेते हैं हमारा जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग B लिया, उससे थीटा एंगल पर हमने ये ले लिया उसका एंगुलर मोमेंट, और अब हम क्या देखे थे कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, न्यू का वैल्यू आता है, ये तो देखे थे हम न्यू का वैल्यू, और तो हमें फॉर्मूला मिला था न्यू इज इक्वल टू e by 2m minus का l vector, तो हम क्या देखे थे l है minus का direction, वो इसके anti direction होता है, अगर l का direction मैं उस तरफ ले रहा हूँ तो mu का direction किस तरह है, opposite minus है, हम इसके अगर आपको याद हो तो हम इसमें ऐसे भी लिखे थे mu is equal to, अगर यहाँ पे minus का हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर हम magnitude निकालते minus, क्योंकि दोनों anti direction में है, और यहाँ पे दिए थे इसका direction दिए थे minus z के, इसका ये उसी वजह से इसका डायरेक्शन जेड के माने थे, इस प्रकार से कुछ किए थे। तो इस प्रकार से दोनों एंटी डायरेक्शन में है, एंटी डायरेक्शन में होने की वजह से ये हमारा हो गया न्यू का वेक्टर, और इसमें थीटा है, और इसको भी पीछे से ऐसे थोड़ा सा लगा लेते हैं, ये भी हमारा हो गया थीटा। अब क्या करते हैं, अब कहानी होती है स्टार्ट, फॉर्मूला दोबारा लिख देते हैं e by 2m minus का l vector। अब हम जानते हैं कि जब किसी एंगुलर मोमेंट को और किसी को इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क फोर्स काम करता है, और वो होता है न्यू इनटू न्यू क्रॉस B, ये हमें टॉर्क मिलता है, ये टॉर्क मिलता है। अब हम क्या करते हैं, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला शायद याद होगा, अगर याद नहीं है तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें फॉर्मूला इस प्रकार से टॉर्क होता है, वो होता है P क्रॉस E, शायद याद होगा आपको, और P का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी इससे अभी अगर याद नहीं आ रहा तो ऐसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स की थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी, उसमें हमने एक ऐसे थीटा एंगल पर प्लेट रखे थे, तो यहाँ पे हम सेंटर माने थे, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिया था, यहाँ पे पॉजिटिव लिया था, और इसके द्वारा हम निकाले थे कि यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा वो पी क्रॉस ई आएगा, या पी साइन थीटा, इसको थीटा माने, थीटा माने थे, तो P अगर ये डायरेक्शन होता है नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो टॉर्क यहाँ पे P होता है, और यहाँ पे P का टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E निकाले थे, शायद याद आ रहा होगा आपको, तो इस प्रकार टॉर्क इस तरफ लगेगा, नेगेटिव इस तरफ आएगा, हम देखे थे कि यहाँ पे नेगेटिव जो नेगेटिव है उसके एंटी डायरेक्शन में मूव करने का प्रयास करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, पॉजिटिव अलोंग द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसकी वजह से यहाँ पे टॉर्क आएगा और सीधा है, तो उसी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें फॉर्मूला मिला था म्यू क्रॉस बी, तो वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं इधर, और इसके फॉर्मूले के यूज करके हम इसमें फॉर्मूले में अगर देखें तो यहां अगर म्यू है, म्यू का वैल्यू हम जानते हैं ना, ये रहा तो इसका फॉर्मूला लिखे थे, इसको आगे हम एक्सपेंड भी किए थे, म्यू में इक्वल लिखे थे जी फैक्टर, हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, अगर आगे आता हूँ जी एल ई बाई टू एम एल वेक्टर, एक्चुअली हम ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला यूज करें, तो अगर इसका म्यू एल का वैल्यू इधर रखें तो
एंगुलर मोमेंटम के लिए देख रहे हैं इसको बना दे म्यू म्यू एल इज इक्वल टू वैल्यू कर रहे हैं तो हमें मिलेगा जी का ई बाई टू एम एल वेक्टर ये तो मिलता है। अगर देखें हम तो इसमें और ये आ गया क्रॉस बी और अगर इसको आगे एक्सपेंड करें तो हमें मिलेगा ई बाई टू एम एल क्रॉस बी टॉप के बराबर यही मिल रहा था। एल क्रॉस बी के अलावा हमें डायरेक्शन मिल रहा है तो एल यहाँ पे क्या है इसको डिनोट करता है बी तो इसमें इसमें अगर देखें तो एल क्रॉस बी शो कर रहा है एल से अलोंग लेके इसका डायरेक्शन अगर कोई मीन्स ए क्रॉस बी वेक्टर है और इसके अलोंग सी वेक्टर है तो सी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं शायद पता होगा आपको। ए क्रॉस बी है तो हम क्या करते हैं ए से बी की तरफ अपने अंगुलियों का करते हैं मान लेते हैं ये हमारा ए है ये हमारा बी वेक्टर है तो अगर ए से बी की तरफ कर्व करते हैं तो ए से हमने हैंड को लिया बी की तरफ कर्व किया ये हमारा डायरेक्शन मिल गया। इसी प्रकार अगर हम उसमें देखें तो हम क्या करते हैं अगर हम एल की लेके और बी की तरफ कर्व करवाएं एल क्रॉस बी है तो एल की तरफ अंगुली लेके बी की तरफ कर्व कराना तो हमें मिल रहा है डायरेक्शन अपवर्ड यानी यहां पे तो फोर्स आएगा वो आएगा अपवर्ड टू द डायरेक्शन इसका प्लेन लेकिन यहां पे अगर आप फॉर्मूले पे ध्यान से दें तो यहां पे हमें माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह क्या दिखा रहा है माइनस का चिन्ह हमें पहले भी बताया था ये है एंटी डायरेक्शन में तो एक्चुअल में इसमें अगर देखें तो अब इस तरफ तो और लग रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या होगा उल्टा इस तरफ से हमें इसको यहां से उस तरफ अंदर की तरफ टॉप महसूस होगा इसके फॉर्मूले की वजह से। ये हमारा फॉर्मूला क्या है जी एल ई बाई टू एम एल क्रॉस बी वेक्टर ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार से जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये यहां पे क्या होगा टॉर्क काम करेगा और टॉर्क क्या करता है टॉर्क को इसको रोटेट करने का प्रयास करेगा तो टॉर्क यहां पे ऐसे है दो चीज मैं मान लेते हैं मैं क्या लेता हूं ये हमारा बी वेक्टर है ये हमारा एल वेक्टर है इस प्रकार से एंगुलर फोर्स होता है एंगुलर फोर्स हो गए तो उसको एंगल पे ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा तो ये क्या करेगा जब यहां से जाएगा तो ये अंदर ऐसे चलेगा जाएगा। इसी प्रकार जब उधर ऐसे होगा इस कंडीशन में इसको मैं रोटेट कर रहा हूं तो फिर यहाँ पे दो बार देखेंगे तो अगर इसको कर्ल करें तो डायरेक्शन और एंटी डायरेक्शन क्या किस तरह तो फिर इस प्रकार का फोर्स लगेगा अगर यहाँ पे आएगा तो इस प्रकार फोर्स लगेगा तो परपेंडिकुलर फोर्स लगने की वजह से यह है इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करता रहेगा तो हमें क्या मिलेगा हमें इसका पाथ मिलेगा और रोटेट वो किस प्रकार से होगा वो हमें मिलेगा इस प्रकार से रोटेट करेगा। अब ये एक समय में यहाँ आएगा फिर धीरे धीरे उधर जाएगा धीरे धीरे ऐसे रोटेट करता करता ऐसे सर्कल करता रहेगा। तो अगर हम इसका जो संरचना है आकृति है जो पाथ है उसको पूरा ड्राइव अच्छे से करें तो हमें इस पर कुछ इस प्रकार से मिलता है यानी ये इसको मैं ब्लैक से बना लेता हूं इसको मैं यहां से लिया इस प्रकार से मान लेते हैं एक पोजीशन पर ये एल है वो ऐसे रोटेट किया यहां से फोर्स किया और यहां पे आ गया उस समय बाद में आएगा क्योंकि ऐसे रोटेट करता करता इधर आएगा यहां से यहां जाएगा तो एक समय में यहां आ गया यहां आने पर इसका अगर एल यहां रहेगा इसके पर इसका तो ऑर्बिट का शेप कैसे रहेगा ऑर्बिट ऐसे है एल इसके परपेंडिकुलर अगर एल को ऐसे रोटेट कर दिया क्या जाएगा इसका शेप कैसे हो जाएगा ऑर्बिट का इसका शेप हो जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार तो ये क्या कर रहा है ये इस प्रकार से मूव कर रहा है इस प्रकार से ऐसे तो जो हमें मिल रहा है तो उसमें ऑर्बिट किस प्रकार से ऑर्बिट इस प्रकार से कुछ ऐसे मूव कर रहा है शायद आप समझ पा रहे होंगे यानी अगर कुछ हम बुक लें मैं ये बुक लेके दिखाता हूं तो अगर हम इसको देखें तो पहले टी स्टार्टिंग में ये ऐसे था फिर इसमें यहां पे जाएगा तो ये एक्चुअल में ऐसे हो रहा है पहले ये ऐसे था ऐसे होगा बुक्स कैसे होगा ऐसे फिर ऐसे इस प्रकार से ऑर्बिट है वो हमारा मूव करता रहता है और हमें क्या मिलता है हमें इस प्रकार से इसका शेप मिलता है नीचे से भी यह है इस प्रकार से देखने को मिलता है यह है हमारा इस प्रकार से होता है पोजीशन पे। तो अब हम क्या करते हैं अब इसके डिफरेंट कंपोनेंट निकालते हैं थीटा को लेके और फिर आगे करने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में इसका कंटिन्यूएशन करेंगे।
क्योंकि अगर करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप हमारे वीडियोस में अभी से डायरेक्ट मूव होना चाहते हैं तो उसका जो वीडियो रेडी होने के बाद में उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अगर आपके हमारे पढ़ाने का तरीका वीडियोज अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब तक नहीं किया तो। और अगर किसी प्रकार का डाउट आता है तो भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं भी आता है तो भी अगर कमेंट करना चाहता है तो कीज कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शायद हमारे आपको पढ़ाने का कंटेंट पसंद आ रहा होगा, यही उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ हम नेक्स्ट भी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसी प्रकार से कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।